Hello everyone. In this session, I will give you very important guideline of board exams related to mathematics. My dear student, actually there are three things. First one, your latest syllabus. Second, your paper pattern. And third, how to prepare. किस तरीके से हम exams की तैयारी करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है. तो एक्चुअली बच्चों, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आज आप लोगों को मैं काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं. इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आप लोगों के लिए रहेंगी. जब ये सब चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो एग्ज़ाम टाइम पीरियड पे या जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे, आप अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल पाने वाले हैं. लेटेस्ट सिलेबस की अगर बात करें, यूँ तो बच्चों CBSE ने रिलीज़ किया है, नो डाउट. लेकिन इस सिलेबस को कम्फर्टेबली समझने के जो सही तरीका है, वो सही तरीका क्या होगा, चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज कौन सा पार्ट हमें नहीं करना है, कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है. एक्चुअली अभी भी जो सिलेबस है बच्चों, वो 30% रिड्यूस चल रहा है. और एग्जैक्टली आप लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ माइनर चेंजेस CBSE ने किए हैं. तो सबसे पहले सिलेबस को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, ताकि आपके माइंड के अंदर ये सब चीज़ें क्लियर रहें बच्चों. लेकिन ध्यान देना, रिड्यूस पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. आप लोग दिमाग में ये रख लेना कि इस चैप्टर में से इस एक्सरसाइज को मुझे नहीं करना है. तो इससे आप लोगों को ये सिलेबस बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा. चैप्टर नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर दो एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 प्योरली आपको नहीं करनी है. ओके, चैप्टर नंबर टू की बात करते हैं बच्चों, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ मैंने लिखा है सम पार्ट, उसके पीछे क्या रीज़न है. एक्सरसाइज 2.2 कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं है बच्चों, इसका कुछ पार्ट रिड्यूस है. और वो कुछ पार्ट क्या है, जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF जिन क्वेश्चंस के अंदर यूज़ में होती हैं, उस तरह के क्वेश्चन हमको नहीं करने हैं. तो एक्चुअली यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन हैं, डोमेन रेंज जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, और बच्चों आप राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थ्रू आउट द चैप्टर जहाँ पर भी आपको मिलते हैं वो ज़रूर कर लो एक बार. ओके, नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें बच्चों, चैप्टर नंबर थ्री की अगर मैं बात करूं, तो यहां जो एक्सरसाइज है वो है आपकी एक्सरसाइज 3.4 इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ये आपके सिलेबस में नहीं है. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड मत कर देना. ओके, और साथ के साथ इसी जगह पर मैं आप एक चीज और बता दूं, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने का जो तरीका आप यूज में लेंगे एक्चुअली वो होगा बच्चों मैट्रिक्स मैथड, फॉर्मूला बेस्ड, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, ये आपको अप्लाई नहीं करनी है, ध्यान दें. नाउ नेक्स्ट, चैप्टर नंबर फोर की बात करें तो एक्सरसाइज 4.2 है बच्चों, जहाँ पर आर्टिकल है आपका, जहाँ पर टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. बड़ी एक्सरसाइज थी, रिड्यूस चल रही है, आप कंफर्टेबल रहेंगे. नाउ नेक्स्ट, चैप्टर नंबर फाइव की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो इस जगह पर एक्सरसाइज 5.8 रॉस थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम, ये दो थ्योरम हैं इस एक्सरसाइज में, आपको नहीं करना है. नेक्स्ट, चैप्टर नंबर सिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दो एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 प्योरली नहीं करना है बच्चों. ओके, नाउ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, जो कि एक्सरसाइज 7.8 में है, ये आपको नहीं करना है. चैप्टर नंबर एट की बात करता हूँ बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर से ध्यान दें, यहाँ मैंने सम पार्ट लिखा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है. एक्चुअली यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ये जो आर्टिकल है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, एरिया बाउंडेड बाय टू सर्कल, एरिया बाउंडेड बाय टू पैराबोला, सर्कल एंड पैराबोला, इस तरह के जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपको नहीं करने हैं. ओके, लेकिन एरिया अंडर द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व, ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो करने हैं. कई जगह जैसे इसी जगह पर एक्सरसाइज 8.2 के अंदर बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड जो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, वो आप ज़रूर करें, उनको स्किप नहीं करें, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा होगा. ओके, तो प्योरली 8.2 एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है. यहाँ स्पेशली इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, वो ज़रूर करें आप. नाउ नेक्स्ट, चैप्टर नंबर नाइन, जो कि आपका है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डी, नहीं करना है. नेक्स्ट यूनिट के ऊपर आते हैं बच्चों, वेक्टर और 3D, चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर, STP 10.5 नहीं करना है. नेक्स्ट चैप्टर है आपका
chapter number 11, 3D से related, exercise 11.3 plane. ये exercise purely plane से related है. Plane से related कोई भी question आपको ना तो इस exercise में करना है और ना ही miscellaneous examples में और miscellaneous exercise में करना है बच्चों. To the point चलें, according to the syllabus चलें, कम time में एक smart preparation आप लोग कर पाएंगे. Okay? Now next, chapter number 12 की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, यह है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. तो 12.2 एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम एलपीपी की आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं करना है. इसी तरीके से मिसलेनियस के अंदर भी नहीं करना है बच्चों. नाउ लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी के अंदर बच्चों थोड़ा ध्यान देना है, स्पेशली एक्सरसाइज 13.4. कन्फ्यूज नहीं होना. देखो यहाँ पर वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको कम्प्लीटली स्किप नहीं करना है. बस चूंकि स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले से रिलेटेड जो पार्ट निकल के आता है क्वेश्चन में वो आप स्किप कर सकते हो. लेकिन एक्चुअली इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड मीन. तो ये दोनों आर्टिकल आप लोगों को, ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं और जिस भी क्वेश्चन में ये पूछा गया है वो सब जगह आपको करना है. ओके हाँ, ये चीज़ और क्लियर करूँ, किसी क्वेश्चन में मान लो डायरेक्टली ये पूछ लिया गया फाइंड द वेरिएंस या फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ठीक है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे नहीं है, लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर वो चेंज कर देता है बच्चों, सिर्फ इतना सा टॉपिक वही, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रहेगी. ओके प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन उस जगह वो आपसे पूछ लेगा फाइंड द मीन. तो थिंकिंग प्रोसेस तो एग्जैक्टली वो का वही है, बस फॉर्मूले आपके ये दो हट जाते हैं. और 13.5 है बच्चों बर्नौली ट्रायल, जो आपको नहीं करनी है. इसके बाद बच्चों बात आती है कि किस तरीके से ये जो पेपर पैटर्न सीबीएसई ने रिलीज़ किया है इसको हम किस तरीके से समझें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर रहेंगी. तो ओवरऑल 5 सेक्शन के अंदर आपका पेपर है. ओके वही 80 मार्क्स 3 आवर में ये करना है. नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं बच्चों, तो सेक्शन वाइज में गाइडलाइन आप लोगों को दूंगा. सेक्शन ए की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर आपको 1 मार्क क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ओवरऑल 20 क्वेश्चन है, ओवरऑल 20 क्वेश्चन है इन 2 वैरायटी. एमसीक्यू देखने को मिलेंगे बच्चों, जहां ओवरऑल 18 क्वेश्चन है. इस जगह किसी भी स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन बहुत सिंपल है. लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते वक्त बच्चों टाइम का ध्यान रखना है, यूँ नहीं कि अननेसेसरी किसी क्वेश्चन को आप टाइम ज़्यादा दे रहे हैं. यदि आता है तो एक बार में क्लिक कर जाएगा, नहीं आता है तो फिर उसको लेके बैठे रहने की जरूरत नहीं अनावश्यक रूप से, टाइम का ध्यान रखना है. लेकिन असर्शन और रीजन एआर बेस्ड जो क्वेश्चन है बच्चों उसकी अगर बात करें, तो जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पार्ट फेमिलियर है, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. लेकिन जो स्टूडेंट कंप्लीटली बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए एआर एक नई चीज़ हो जाती है, क्योंकि ना तो एआर एनसीईआरटी मैथ्स की बुक में कहीं देखने को मिलेगा और ना ही एग्जाम्पलर में देखने को मिलेगा बच्चों. तो किस तरीके से इस एआर को आप डील करेंगे, कैसे अटैम्प्ट करेंगे, इसकी थोड़ी सी गाइडलाइन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा. हाउ टू अटैम्प्ट असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन. तो बच्चों असर्शन और रीजन 2 स्टेटमेंट आप लोगों को मिलेंगे, दोनों को केयरफुली रीड करो सबसे पहले और ये जज करो कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, दोनों ट्रू है कि दोनों फॉल्स हैं. ओके दोनों फॉल्स की कंडीशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, आइदर ट्रू और फॉल्स. अगर ऐसा कोई केस क्रिएट होता है तो डेफिनेटली सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, आइदर कोई एक ट्रू है कोई एक फॉल्स है, तो या तो सी बनेगा या डी बनेगा. अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर आंसर ए और बी में से कोई एक हो सकता है बच्चों, ऑप्शन ए और बी में से. तो ऑप्शन ए और बी में से जज करना है कि पहला सही हो ए पर जाएं कि बी पर जाएं, इसका भी सिंपल सा तरीका है बच्चों. यदि जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका जर्नल लिंक फर्स्ट स्टेटमेंट से किसी तरीके से बन रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर होगा. रीजन के अंदर जर्नली फॉर्मूले दिए जाते हैं या इसी से रिलेट करता हुआ एक स्टेटमेंट होता है. ध्यान से देखो यहाँ पर असर्शन में क्या लिखा है, द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलीनियर. 3 पॉइंट को लीनियर करने के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं बाय डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0. ओके बहुत अच्छे से जानते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, बाय डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, वो 0 आता है नहीं आता है चेक करेंगे. इस क्वेश्चन में 0 आएगा. ओके तो ट्रू हो गया. और दूसरा स्टेटमेंट देखो इसी से लिंक हो रहा है,
three points A, B, C are collinear if area of triangle ABC is zero. Okay, तो definitely इस statement का first वाले से एक general link create हो रहा है, true condition create कर रहा है. इसका मतलब answer क्या जाएगा बच्चों? A जाएगा. तो easy part होगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखना, जल्दबाजी मत करना. AR के question गलत नहीं होने चाहिए, है ना? Now next section पर आते हैं बच्चों. Section B की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 2 mark question आपको देखने को मिलेंगे. Overall 5 question है. 5 2 10 10 marks का ये खेल हो जाता है. Okay, तो यहाँ presentation को लेके worried नहीं होना है. बिल्कुल simple तरीके से दिमाग जितना काम करे उतनी स्टेप में क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करना. प्रेजेंटेशन को लेकर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इस जगह. ओके, लेकिन नेक्स्ट 2 सेक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, सेक्शन सी और डी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कैसे है इंपॉर्टेंट पार्ट, थोड़ा क्लियर करता हूँ. देखो 3 marks क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ओवरऑल 6 question है. ओवरऑल वेटेज इस सेक्शन का जो हो जाता है वो है 18 marks. ओके, चूंकि वेटेज ज़्यादा है तो प्रेजेंटेशन भी मैटर करेगा. डायरेक्ट आंसर की तरफ नहीं भाग सकते आप लोग. अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एक राइट प्रेजेंटेशन आप लोगों को यहाँ रखना होगा. ओके, फिर सेक्शन डी की अगर मैं बात करूँ, 5 marks क्वेश्चन है और ओवरऑल 4 question है बच्चों. 5 4 20, पहले 18 फिर 20, 18 + 20 = 38, अप्रॉक्स 50% ऑफ टोटल मार्क्स. टोटल मार्क्स क्या है? 80. अप्रॉक्स 50% आपका सी और डी से कवर हो रहा है. तो बहुत केयरफुली इन दोनों सेक्शन को करना है. टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए बच्चों. उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आप लोगों को क्लिक कर रहे हैं उनको टिक करते जाओ. जहां आपको थोड़ा डाउट लगता है उसको बाद में ट्राई करो. सेक्शन ई की बात करें बच्चों, तो ये फैमिलियर कहूँगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन पेपर आते रहे उनके अंदर ये चीज़ देख मिली थी, लास्ट ईयर भी थी. 4 mark क्वेश्चन है. ओवरऑल 3 question है. केस बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे. एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट को 2 बार रीड करें और उससे रिलेट करते हुए जो क्वेश्चंस हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन होंगे, वो आप जरूर कर पाएंगे. लेकिन लास्ट में एक बात इस जगह मैं और कहूँगा बच्चों, केस बेस्ड जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते रहे वो 2 topic ज़्यादा रहे हैं. वो 2 topic क्या, मैं क्लियर कर दूँ. एक तो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा वाला पार्ट. ओके, और एक है प्रोबेबिलिटी. इन 2 जगह से केस बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछे गए थे और अभी जो सैम्पल पेपर आया है वहाँ भी ये 2 topic दिए गए हैं. तो मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम का जो जनरल क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को जज करो और आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे. इसके बाद बात आती है, सारी सिलेबस पता चल गया भैया, ठीक है, कौन से सेक्शन में से क्या क्या चीज़ आने वाली पता चल गया. लेकिन जब बात आती है, जब हम प्रिपरेशन के लिए बैठते हैं, तो दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या चीज़ करें, क्या ना करें, क्या तरीका होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ बच्चों. देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, कोई चैप्टर वाइज जब आप NCERT को करने बैठे हैं बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट जो काम का है मेरी नज़र में वो है आप एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना सीखें. शॉर्ट नोट के अंदर, मैथ्स के अंदर क्या आ सकता है सोच के देखो. फॉर्मूले होंगे, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी इस तरीके से एक, और कुछ क्वेश्चंस के जो की पॉइंट्स होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस होता है, उनको आप लोग एक शॉर्ट नोट के अंदर प्रिपेयर करें. ओके, फिर वापस से इस शॉर्ट नोट को आप सेग्रीगेट करें. होता क्या है, ज़्यादातर चीज़ें हमको याद होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जिसे हम बार बार भूलते हैं. तो जो बार बार भूलने वाला जो पार्ट है ना, उसको सेपरेट करो, उसको सेपरेट करो, ताकि एग्ज़ाम टाइम पीरियड पर जब वो जो गैप आएगा उसमें जब आप तैयारी करेंगे तो उस एग्ज़ाम टाइम पीरियड पर आप लोग उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे. ओके, शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, चैप्टर वाइज रिविजन करना है. NCERT के जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को ज़रूर लगाने हैं, और स्पेशली मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस बच्चों ज़रूर करें. अकॉर्डिंग टू द सिलेबस करें, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मिसलेनियस के अंदर सारी चीज़ है. कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो अभी एट प्रेजेंट आउट ऑफ सिलेबस चल रहे हैं, तो वहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बाद में ये कहूँगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव और AR की अगर मैं बात करूँ, और साथ में वेरी शॉर्ट आंसर की अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप NCERT एग्जाम्पलर पर जा सकते हैं. वहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर भी दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक भी हैं,
उन सबको प्रिपेयर करें, ये पार्ट आपका बहुत आसानी से तैयार होगा। प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, ओके, और साथ में ओवरऑल 3 सैंपल पेपर, ओके, उन्हें अरेंज करके बिल्कुल टाइम के साथ 3 आवर्स के, जैसे एग्ज़ाम में आप लोग प्रिपरेशन, एग्ज़ाम में जैसे आप लोग पेपर देते हैं उस तरीके से आप लोग पेपर दें, और साथ में अपने सेल्फ एवोल्यूशन करें, उन कमियों को पहचानें जहां पर नंबर कट रहे हैं और उनको रेक्टिफाई करें, बार बार रिविज़न करें बच्चों। तो ये जितनी भी बातें बताई गई है बच्चों, अगर इनको ध्यान में रखकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली मैथ्स के अंदर फुल आउट ऑफ फुल लेके आ पाएंगे आप लोग। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। यहां पर एक चीज और मैं आप लोगों को कह दूं बच्चों, ड्यूरिंग द एग्जाम एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखनी बच्चों, यहां आप लोगों का कुछ पार्ट ऐसा है जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, आता है तो बहुत बढ़िया बात, और नहीं आता है तो दिमाग से कुछ ना कुछ उससे रिलेट करता हुआ, उस टॉपिक से रिलेट करता हुआ जरूर लिखें बच्चों, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ध्यान रखें। फिर साथ में इंटरनल चॉइस वाले पार्ट में भी कई स्टूडेंट अपनी चॉइस को गलत तरीके से लेके जाते हैं। 2 पार्ट होते हैं भैया, दोनों को पहले केयरफुली रीड करो, केयरफुली रीड करने के बाद फिर डिसाइड करो कि दोनों में से यार मुझे कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबली आ रहा है। डायरेक्ट स्टार्ट मत हो जाओ जो पहले टॉप पर लिखा हुआ है, ओके। फिर साथ में डू नॉट राइट डायरेक्ट आंसर, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में 1 से 20 तक इट्स ओके, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर नहीं रखना, स्पेशली सेक्शन सी और डी के अंदर आप लोगों को प्रेजेंटेशन पर फोकस रखना है, और साथ में टाइम मैनेजमेंट को तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि इस बार आपके 5 सेक्शन हैं और 5 सेक्शन के अंदर हर क्वेश्चन को कवर करना इतना आसान नहीं होगा बच्चों। तो टाइम का जरूर ध्यान रखें, उसका सही तरीका, क्वेश्चन पेपर पढ़ो, जो क्वेश्चन आते हैं उनको टिक करते जाओ, उनको प्रायोरिटी पे लो, जो क्वेश्चन में जहां पर कॉन्फिडेंस लूज है उनको बाद में ट्राई करो, ओके गाइज। तो आई होप मैथ्स के अंदर इन सब गाइडलाइंस के साथ आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, और ऐसी शुभकामनाएं मेरी हैं कि आप जरूर नंबर पूरे में से पूरे लेके आ पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों का गाइडलाइन सेशन था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत बारीकी से बहुत काम की चीज़ें बताई हैं, लेकिन साथ में आप लोगों को एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूं बच्चों, इसी प्रकार से हम लोग आप लोगों से एग्ज़ाम तक कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए रहेंगे, और वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। फर्स्ट वन, प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पर बच्चों वो ड्यूरेशन, जब ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी, वो ड्यूरेशन हम लोगों ने टाइम के साथ दिया हुआ है, डेट के साथ दिया हुआ है। सेकंड होगा बच्चों मैथमेटिकल एक्टिविटीज़, आप लोगों के मैथ्स के अंदर मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ भी हैं, किस तरीके से उनको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, जो भी बेस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड बच्चों, एक रैपिड रिविज़न आप लोगों को करवाएंगे यूनिट वाइज, ओके। फोर्थ होगा बच्चों, वापस से एक प्रैक्टिस टेस्ट हम आप लोगों का लेंगे, जो डेट शीट आ जाएगी उस डेट शीट के अकॉर्डिंग जो बीच में गैप होता है उसके साथ इसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा। और लास्ट बच्चों अगर बात करें तो एग्ज़ाम पेपर डिस्कशन होगा, पेपर देने के बाद आप लोग जो किस प्रकार का पेपर आपका गया है इस डिस्कशन से आप लोग फाइनलाइज कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा बच्चों इन सभी एक्टिविटीज़ को अगर आप लोगों ने ईमानदारी से अटेंड किया इन कमिंग टाइम, तो डेफिनेटली इस सेशन के अंदर मैथ्स के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप लोग लेके आ पाएंगे, ओके माय डियर स्टूडेंट।